अगर आप 15 से 40 साल के बीच में, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ 1500 रुपए लगाकर मतलब इन्वेस्ट करके आप किस तरीके से एक करोड़पति इंसान बन सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इसी बात को सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें या फिर वीडियो की स्पीड को 1.5x या 2x पर करके भी आप देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। एक करोड़पति इंसान बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं पहले ये जान लेते हैं, और आपको उनमें से कौन सा प्रोसेस करोड़पति बनाएगा इसके बारे में भी जानेंगे। देखो, इंसान ना कैसे कैसे पॉसिबल वे में अमीर बन सकता है, इसको हमने 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट आता है अपना बिजनेस, हो जिसका हमारा नहीं है, जिनका बिजनेस होता है उनके पास अपनी दुकान होती है या फैक्ट्री होती है या बिजनेस अपना कुछ रन कर रहा होता है छोटा मोटा। दूसरी कैटेगरी आती है अगर आपके अंदर कोई स्किल है, भाई हो सकता है कुछ लोगों के अंदर हो कुछ लोगों के अंदर ना हो, तो जिनके अंदर है वो अपने स्किल से पैसा कमा सकते हैं। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, आज के टाइम पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी में कुछ स्किल यूज होती होगी, उस स्किल से फ्रीलांस करके या अपने आपको एक्सपोजर दिला के आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों का होना या ना होना किस्मत या टैलेंट के ऊपर बात होती है। पर क्या हो जब कोई इतना अमीर ना हो और उसमें कोई ऐसी स्किल भी ना हो, तो अब आती है तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहां से आप अमीर बनेंगे, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। दोस्तों, ये वही जादू है जिसे लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि लोग ऐसे ही किसी चीज को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि नहीं दे देते। तो ऐसा क्या करता है ये कंपाउंडिंग? अब पहले ये समझो, एक सर्कल है, एक चक्र है, जिसमें शुरुआत होती है अर्निंग से, बीच में आता है सेविंग, और एंड में आता है फिर से इन्वेस्टिंग, और यही चक्र दोबारा से घूमता जाता है। मतलब अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, और फिर से ये साइकिल दोबारा चालू कर दो। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब आपको समझ में आएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअल में काम करती कैसे है, और कैसे सिर्फ 1500 रुपए इन्वेस्ट करने से आप करोड़पति बन जाओगे। जो अभी मैंने चक्र आपको समझाया था उसमें वैसे तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इन्वेस्ट करना कहाँ है? इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, जहां मनो वहां कर सकते हैं। पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होने चाहिए, और साथ ही फ्यूचर में आपको CAGR ग्रोथ मिलनी चाहिए एटलीस्ट 15 से 20%। और अगर ये ग्रोथ अचीव हो जाती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी ये देखिए। एक व्यक्ति की आज की डेट में हम एवरेज सैलरी मान लेते हैं 15000 रुपए, और अगर वो 50-30-20 रूल से ना भी चले, बिल्कुल ना चले, 20% जो सेविंग का रूल होता है उसको आधा कर दे, मतलब 10% अगर वो सेव करे, तो 15000 का 10% कितना होता है? 1500 रुपए। तो अगर वो सिर्फ 1500 रुपए सेव करता है और इन्वेस्ट करता है, तो ये देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो SIP में इन्वेस्ट करता है। वैसे तो हम 15 से 20% की ग्रोथ मान रहे थे, लेकिन यहाँ हम लीस्ट लेके चलते हैं 15% की ग्रोथ, जहाँ उसको सालाना 15% रिटर्न मिलेगा। तो आप देखते हैं, अगर हर महीने वो व्यक्ति 1500 रुपए इन्वेस्ट करता है तो 5 साल में क्या रिजल्ट आता है? इन्वेस्टेड अमाउंट 90000 के आसपास, और एस्टिमेट ग्रोथ है 135000 के आसपास। इन्वेस्टेड अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न अगर हम सेम रखें और टेन्योर को अगर हम बढ़ाएं 10 साल करें, तो देखिए कितना फर्क आ जाता है। इसी 10 को अगर हम 15 कर दें, तब देखो कितना फर्क आता है। 15 को अब हम 20 कर देते हैं, ठीक है, तो एस्टिमेटेड आप देखिए 360 आ रहा है। और फाइनली अगर हम इस टेन्योर को 30 साल कर देते हैं, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 540000 के आसपास होगा, और आपका जो टोटल कॉर्पस तैयार होगा वो 1.5 करोड़ के आसपास का तैयार होगा। तो देख लिया आपने जादू कंपाउंडिंग का, यही होता है असल मैजिक। मैं अपनी कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि जहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करती है, तो वहां पर पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आपने लगाए थे सिर्फ 1500 रुपए महीना। आप में से जो लोग अपने 20s में ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप 1500 रुपए हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहोगे, तो कंपाउंडिंग का पावर तो आप देख ही चुके हो। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप करोड़ रुपए के ऊपर खड़े होंगे, और यहाँ पर तो हम रिटर्न सिर्फ 15% लेके चले हैं, और हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट भी बहुत कम था। और मान लेते हैं कि 20 साल में कोई अपनी पॉकेट मनी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेता है, तो भी देखिए क्या हो सकता है। और जब वो कभी अपनी जॉब में आएगा या कमाना शुरू करेगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकता है। अगर कोई इंसान 1500 रुपए की जगह 5000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसे सेम पीरियड में सेम रेट ऑफ रिटर्न में क्या मिलता है? देखो, वो 30 साल इन्वेस्टेड रहेगा, 15% का उसे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इन 30 सालों में वो टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, और जो उसका कॉर्पस इकट्ठा होगा, जो कॉर्पस बनेगा, वो बनेगा 3.5 करोड़ रुपए। तो जिनके पास अपनी पुरानी कोई विरासत नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो वो इस तरीके से इस फंडे को अपना के फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो अपना गोल बस यही रखना है कि कितना ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं, अर्न कर लिया तो उसके बाद कितना ज्यादा हम सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद हम कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बस यही चीज आपको फ्यूचर में बहुत और बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। इस पूरे मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, और नो डाउट इसमें टाइम तो लगेगा पर विनर आप ही होंगे, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो इसी को कहते हैं कि धीरे चलिए लेकिन लगातार चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए लेकिन लगातार करते रहिए। आपने आज इस पूरी वीडियो से क्या सीखा ये तो आप कमेंट में बताइए, साथ में इस वीडियो की जिनको जरूरत है उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। मेरा नाम है अमित ढौंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।